Hello everyone, if you are looking for getting admission in the good institute और एंड इफ यू आर डूइंग BSc MSc तो इसके लिए आपको एक एग्जाम से जाना पड़ेगा। अब हर एक इंस्टीट्यूट के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, इसके अकॉर्डिंगली एडमिशन होते हैं। लेकिन वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यू गोइंग थ्रू इज IIT JAM। तो इसके लिए प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रिपरेशन बहुत पहले ही करनी पड़ती है और कुछ स्टूडेंट इतने स्मार्ट तरीके से करते हैं पूरा टाइम टेबल लगा के। तो एक्चुअली क्या रहता है, क्या ये फॉर्मूला, ऑल इंडिया रैंकिंग आने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, आपको डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि IIT जैम के लिए कैसे एक परफेक्ट प्रिपरेशन आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो इससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ कि अन अकेडमी की तरफ से RIS सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जो IIT जैम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। तो RIS सीरीज के लिए आप अगर इस जैम एग्जाम के लिए सच में सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 3 एजुकेटर फिजिक्स के लिए सिखाएंगे और 5 एजुकेटर, ये भी टॉप एजुकेटर आपको सिखाएंगे, जहाँ पे कुछ ट्रिक्स ट्रिप्स कैसे आपको सिलेबस कवर कैसे करेंगे, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पर फोकस कर। तो डेफिनेटली इस सीरीज को एनरोल कीजिए। इसके लिए हमारा कोड TBA10 ये यूज करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अन अकेडमी सब्सक्राइब करने के बाद ये कोड यूज कीजिए, इमिडिएटली 10% डिस्काउंट आपको हर एक क्लास में, हर एक टेस्ट में मिल जाएगा। इसके साथ और एक क्लास है, वो है मास्टर स्ट्रोक फॉर JNU और मणिपाल यूनिवर्सिटी। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए 2021 के इसके लिए और साथ में भी जैम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के बैच स्टार्ट होने जा रही है। मास्टर स्ट्रोक नाम है इस सीरीज का, तो ये भी आप डेफिनेटली एनरोल कीजिए। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में सिखाया जाएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में, स्पेशली यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो आपसे अनुरोध यही है कि अन अकेडमी हमेशा कोशिश यही करता है कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करता है। तो इसके लिए अन अकेडमी आप इंस्टॉल कीजिए और डेफिनेटली इस कोर्स को एनरोल कीजिए और हमारा कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं आपको 4 स्टेप में पूरे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी स्टेप है, लेकिन आपको बहुत ही डिसिप्लिन से ये स्टेप्स फॉलो करनी है। पहला है नो योर सिलेबस। अब सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कौन सी स्ट्रीम्स हैं, फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी से है, केमिस्ट्री से है, मैथमेटिक्स है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सिलेबस देखना है, कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे कवर होते हैं, उसमें टॉपिक कौन कौन से कवर रहते हैं, और आगे जाके मैं उसके और ज़्यादा बताऊँगा। तो आप किस स्ट्रीम देखिए उसके अकॉर्डिंगली उसका सिलेबस देखिए। देखिए बहुत सारे सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक है, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक सब्जेक्ट की सिलेबस दी है, IIT जैम का सिलेबस क्या रहता है। तो ये आपको सिलेबस देखना है। नेक्स्ट है कि एग्जाम पैटर्न देखना है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, कौन से क्वेश्चन का कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है उसकी, ये देखनी है। थर्ड स्टेप ये है कि आपको बेस्ट बुक देखने, रेफरेंस बुक रहते हैं तो ये आपको बेस्ट देखने, जिससे आपको ये सारे सिलेबस जो रहते वो तो कवर हो ही जाएगा और आपके डेफिनेटली यहाँ पे पूरे सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और डेली टाइम टेबल रखना है, डेली, वीकली, मंथली, ये टाइम टेबल आपको यहाँ पे रखना है। और लास्ट ये कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करेंगे, सैम्पल टेस्ट भी देंगे आप और मॉक टेस्ट भी देंगे। तो यहाँ पे आपको अगर कंसल्टेशन किसी कोचिंग मिलती है या इंस्टीट्यूट से आपको गाइडलाइन मिलती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको एक वे से जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक अच्छी कोचिंग लाइक अन अकेडमी आपको यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, इससे आपका ही फायदा है, आपको एक अच्छा प्लान मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना है। तो आपको एक आगे जाके मैं अभी बताऊंगा कि अभी फर्स्ट तो मैंने सिलेबस की डिटेल दे दी है। नेक्स्ट ये है कि अभी एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। अब एग्जाम पैटर्न में MCQs, MSQs और NAT। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो ये 3 टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 30 मार्क्स MCQs, 10 मार्क्स MSQs और 20 मार्क NAT के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, तो MCQ जो रहते हैं वो 30 मार्क्स के, उसमें 10 क्वेश्चन ये 1 मार्क के लिए रहते हैं और
20 क्वेश्चन 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे। अब MSQs मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन जो रहते वो तो 2 मार्क्स ही रहते ईच क्वेश्चन। देन न्यूमेरिकल आंसर टाइप NAT, तो इसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाते, तो उसमें 10 क्वेश्चन रहते वो 1 मार्क्स ईच रहते और बाकी के 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच रहते। तो ऐसे आपका एग्जाम पैटर्न हो गया टाइप ऑफ क्वेश्चन और उसके कितने कितने मार्क्स है हर एक क्वेश्चन के लिए, ये डिटेल हो गया। तो अब आगे है कि आपको प्रिपरेशन के लिए बुक्स चाहिए, तो बुक्स आप हमेशा आपके सीनियर से पूछिए, आपके प्रोफेसर से पूछिए और हमेशा आप एक पैटर्न फॉलो कीजिए। देखिए आगे की जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन फॉलो करना। तो उससे पहले आप अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप रेफरेंस तो ले ही लीजिए, लेकिन मोस्टली इंग्लिश ऑथर के बुक्स फॉलो कीजिए, इंडियन ऑथर से अच्छा। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश ऑथर के जो बुक्स रहते हैं, इंटरनेशनल बुक्स जो रहते हैं, वहीं से ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, ऐसा देखा गया। तो इसके लिए ये मेरी एक सजेशन रहेगी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कई कबार बहुत सारे क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछे जाते हैं, अगर आपको ये टॉपिक मिल गया तो आपको क्या देखना है, वो कौन सा टॉपिक है और उसमें से कौन सा कंसेप्ट बहुत बार पूछा जाता है, वहाँ पे आप फोकस करेंगे। और इससे आगे जाके क्या करना है आपको, कि आपको वो सारे क्वेश्चन 5 साल के क्वेश्चन में से आपको पता चल जाएगा कि मोर देन 20-30% क्वेश्चन ये आपको हमेशा रिपीटेटिवली पूछे जाते, कंटिन्यूस साल में या फिर अल्टरनेटिव साल में पूछे जाते। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगी, वहाँ पे फोकस ज़्यादा कीजिए। नेक्स्ट ये है कि आपको रेयरली बाकी भी क्वेश्चन कभी कभार बहुत सारे 2-3 साल में पूछने जाते, लेकिन 1 साल में पूछा जाता है, तो ऐसे रेयरली क्वेश्चन भी कवर कीजिए। कहने का मतलब यही है कि जितने क्वेश्चन है उन टॉपिक पे फोकस कीजिए, उन कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए। नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा फोकस नहीं करते, न्यूमेरिकल में ज्यादा फोकस रहता है। आप दोनों में फोकस कीजिए, थ्योरेटिकल में भी और न्यूमेरिकल में भी। और जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो 2 या 3 महीने पहले ही उसकी प्रिपरेशन कीजिए, तभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और नेक्स्ट ये है कि मैंने जैसे बताया, बुक्स वगैरह फॉलो डेफिनेटली आप कीजिए, गाइडलाइन लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रैक्टिस ही करनी है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उससे आपको आसानी से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपको खुद भी यकीन आ जाएगा कि कितना आपका प्रिपरेशन होगा। इसके लिए कुछ आपके क्रैश कोर्स होता है तो वो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए जो आपको मॉक टेस्ट देती है, जहाँ पे सैम्पल टेस्ट पेपर कंटिन्यूस देती है और एक कोचिंग अच्छी रहती है। तो इसके ये सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए तो डेफिनेटली ये आप एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, तो ऑल इंडिया रैंकिंग भी आप पा सकते हैं इससे। तो मैं यही कोशिश थी इस वीडियो की कि आप IIT एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आप पहले टाइम टेबल भी देखिए, कब एग्जाम आ रही है, सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। मैंने जो 4 स्टेप बताई है वो आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और देर सर लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।